हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। और आज हम सब लोयल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप सबको पता हो, एसएससी के एग्जाम संबंधित आर्ट एंड कल्चर के कुछ दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं। यहाँ आप सबको पता हो कि एसएससी जो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, अब अपने एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी अब वो 3-3 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ रहा है। आज की इस क्लास में दोस्तों, हम सब भारत के क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बनते हैं, उनको यहाँ से कवर करेंगे। सबसे पहले भारत में शास्त्रीय नृत्य, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? तो भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम और लास्ट वन सतरिया। तो ये 8 जो हैं भारत में क्लासिकल डांस हैं। इसके साथ साथ आप सब ध्यान रखेंगे कि जो छऊ नृत्य है, छऊ, इसको भारत के जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसने 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दे दी है, शास्त्रीय मंत्रालय ने, हालांकि कला अकादमी के अकॉर्डिंग नहीं। 8 ये ध्यान रखेंगे। अभी 9वां अगर आप सबसे पूछेगा, 9th, तो आप सब छऊ नृत्य के बारे में बात करेंगे। भरतनाट्यम 3 ये कैसे स्टार्ट होने वाले हैं? कथकली, कथक और कुचिपुड़ी, दो राज्यों के नाम से हैं, मणिपुरी और ओडिसी। एक मोहिनीअट्टम है और एक कथकली है, एक मोहिनीअट्टम है, एक भरतनाट्यम है और एक सत्रिया नृत्य है। चलो अभी एक एक करके यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को कवर करते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम, भरतनाट्यम पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो तमिलनाडु का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका विकास तमिलनाडु में होता है। दूसरा, दसी अट्टम के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को। भारत की महिमा 10 दिशाओं में फैली है, तो ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे, भरतनाट्यम दसी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, उसके बाद पूछेगा कि संबंधित तो जो हैं जिनसे इनको विकास हुआ या प्रमुख कलाकारों से, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, एसएससी अपने एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल व ए कृष्ण अय्यर, यानी रुक्मणी देवी और कृष्ण दोनों के प्रयासों से इसको सम्मान मिला, यानी आगे बढ़ाइए। प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, तो ये प्रमुख कलाकार हैं। विकास तमिलनाडु में दस्यट्टम के नाम से भी जाना जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल और कृष्ण अय्यर, ये दोनों नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों भरतनाट्यम के प्रमुख क्रम। सबसे पहले अलारिपु, उसके बाद वर्णम। अगर आप सबने एसएससी के प्रीवियस पेपर को स्टडी करा तो 2022 का जो एसएससी का प्री हुआ था सीजीएल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्णम जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो भरतनाट्यम का एक क्रम है वर्णम। अलारिपु वर्णम, उसके बाद पदम शब्दम तिल्लाना। अलारिपु वर्णम पदम शब्दम तिल्लाना, ये भरतनाट्यम के प्रमुख क्रम हैं। आगे आने वाली एसएससी एमटीएस की भर्ती है, एमटीएस का एग्जाम होना है, सीजीएल्स मेंस के भी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी हैं, तो यहाँ ये आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, और आप सबको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, आप सब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कथकली। दोस्तों कथकली मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, लेकिन रागिनी देवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रागिनी देवी ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ा, इसलिए ये ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कि कथकली जो है वो किस, या रागिनी देवी जो है वो किस नृत्य से संबंधित हैं, तो वो कथकली से संबंधित हैं। इसके अलावा जो प्रमुख कलाकार हैं, कलामंडलम रमण कुट्टी नायर, कोटक्कल कृष्णा कुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानम कृष्ण कुट्टी, तो ये जो है ये कथकली से संबंधित हैं। अब बात आती है कि कथकली जो है वो किस राज्य का नृत्य है, तो कथकली केरल राज्य से संबंधित हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम भी जो है ये केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम एकल यानी सिंगल महिला के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इनके विकास में, किसके शासनकाल में विकास हुआ, तो राम वर्मा के काल में जो है मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास होता है। प्रमुख कलाकार हैं यानी मोहिनी, मनमोहिनी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, माला मोहिनी, माला हेमा मालिनी, ये बहुत फेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, पल्लवी कृष्णन,
जया प्रभा मैनन और सुनंदा नायर। बस थोड़ा सा याद करने का तरीका है, कैसे भी माला हेमा ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। वैजयंती माला, हेमा मालिनी, पल्लवी कृष्णन, जया प्रभा मैनन और सुनंदा नायर जो हैं मोहिनीअट्टम की प्रमुख कलाकार हैं। किस राज्य से संबंधित है ध्यान रखिएगा, केरल राज्य से। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद कुचिपुड़ी नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में खाई होंगी कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित हो गया, तो आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है। इसका सबसे लोकप्रिय रूप तो पेपर में ही आने वाले, मैंने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको यहाँ से अलग कर लिया है। मटका नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है, तो ये कुचिपुड़ी का एक लोकप्रिय रूप है। आंध्र प्रदेश में पूड़ियों की जो है पूरा मटका भरा गया, तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, तो ये सभी रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख कलाकार। संबंधित राज्य यानी किस राज्य में ये किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नृत्य शैली है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद ओडिसी नृत्य की बात करते हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि दो ऐसे नृत्य हैं जो किसी राज्य के नाम से ही हैं। ओडिसी नृत्य कहाँ पर प्रचलित हैं, तो ये ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित शास्त्रीय नृत्यों में माना जाता है। इन्हें सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में गिना जाने वाला ओडिसी। इस नृत्य का प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक कहाँ से लिए गए, गीत गोविंदम से लिए गए हैं। गीत गोविंदम यानी किस शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिए गए हैं, तो आंसर होगा ओडिसी नृत्य से। ओडिसी कहाँ से प्रचलित है, तो उड़ीसा में प्रचलित हैं। प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुद्गल, अरुणा मोहंती, अदिति बंदोपाध्याय और संयुक्ता पाणिग्रही, तो जो जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं ना, कई बार आप सब पेपर को देखते हैं तो सोनल मानसिंह तो आप सबको बहुत बार मिला होगा, लेकिन जो अलग से अरुणा मोहंती, देखो ये भी अब पेपर में आ रहे हैं, तो जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है उन सबको आप सब पढ़ लें, क्योंकि प्रीवियस पेपर से ही सब चीज़ों को उठाया गया है। और किसी भी एग्जाम की बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप सब पहले प्रीवियस पेपर जरूर देख लें। नेक्स्ट आता है मणिपुरी नृत्य। मणिपुर नृत्य कहाँ पे प्रचलित हैं, तो ये मणिपुर में प्रचलित हैं। ये एक सामूहिक नृत्य है, जैसे मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है वैसे ही मणिपुरी जो है एक सामूहिक नृत्य है। आधुनिक समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में भूमिका निभाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, गुरुदेव की उपाधि इनको दी थी महात्मा गांधी ने, तो रविंद्रनाथ टैगोर के उनके समय में जो है इसका विकास होता है। प्रमुख कलाकार, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं किस नाम से जाने गए, इनको उपाधि क्या दी गई थी, गुरु की, तो गुरुदेव, तो गुरु नभ कुमार, गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहने नैना, सुवर्णा और दर्शना, ये मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। तो किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, मणिपुरी की। मणिपुरी में थोड़ा ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के समय में विकास हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से, तो गुरु नभ कुमार, गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहने नैना, सुवर्णा और दर्शना इसकी प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद मणिपुर नृत्य के विभिन्न रूप रासलीला और संकीर्तन। दोस्तों संकीर्तन को हाईलाइट करा है यहाँ पे रेड कलर में, क्योंकि 2022 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था परी में कि संकीर्तन कहाँ का एक नृत्य शैली है, तो आंसर क्या होगा, तो ये मणिपुर की एक नृत्य शैली है, मणिपुर या फिर मणिपुरी से ही संबंधित है। रासलीला, संकीर्तन और थांगटा तीनों ध्यान रखेंगे। उसके बाद कथक नृत्य की बात करते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। इसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य में केवल कथक का ही संबंध जो है वो मुस्लिम संस्कृति से रहा। किस मुस्लिम संस्कृति से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक नृत्य आंसर कर देना है। कथक के कुछ इंपॉर्टेंट घराने पढ़ते हैं, एक है जयपुर घराना। जयपुर घराना के प्रमुख कलाकार पूछेगा तो उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, शोभना नारायण। उमा, प्रेरणा, श्रीमाली, उमा, प्रेरणा, शोभना, ये तीन जयपुर घराने से संबंधित हैं। उसके बाद लखनऊ घराना भी जो है वो कथक के महत्वपूर्ण घरानों में आता है। लखनऊ, यहाँ से आप सब ने पेपरों में नाम सुना होगा, पंडित लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज, तो किस घराने से संबंधित हो गए हैं, लखनऊ, और नृत्य पूछेगा कथक। बनारस का घराना सितारा देवी, बनारस में सितारा देवी ध्यान रखेंगे। रायगढ़ घराना जो है पंडित जयलाल रायगढ़, रायगढ़ में राम हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सीता राम, हनुमान प्रसाद और शंभू महाराज,
ये रायगढ़ घराने से संबंधित हैं। राय राम से थोड़ा याद रख लीजिएगा, पंडित जयलाल, सीताराम, हनुमान प्रसाद और शंभू महाराज रायगढ़ घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं सत्रिया नृत्य। लास्ट टाइम सत्रिया नृत्य को क्लासिकल डांस की श्रेणी में शामिल किया गया। नृत्य असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है। पहला पॉइंट यही कि सत्रिया नृत्य कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो असम में प्रसिद्ध है। इस नृत्य के विकास का श्रेय सत्रिया शंकरदेव, तो त्रिशूल होता है शंकर के पास, या फिर सत्रिया शंकरदेव थोड़ा सा नाम जोड़ देंगे तो ये इन्होंने इसका विकास करा था सत्रिया नृत्य। और प्रमुख कलाकार पूछेगा तो राम और कृष्ण, राम कृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप, ये सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, और संत शंकरदेव, ये आप सबको ध्यान रखने हैं। चलिए सबसे पहले फटाफट से एक क्विक रिविजन लेते हैं और फिर शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप सबसे पूछेगा कि भरतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर करेंगे तमिलनाडु। कहाँ से दोस्तों? तमिलनाडु से। दूसरा कथकली पूछेगा तो केरला सही आंसर हो जाएगा। कथक अभी पढ़ के आए, उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर में फेमस है। और दूसरा अभी यहाँ पे मैंने एक आप सबको बताया संकीर्तन, क्या बताया मेरे दोस्तों? संकीर्तन, ये यहाँ मणिपुरी का एक नृत्य का टाइप हो गया है। और भरतनाट्यम में मैंने आप सबको वर्णम बताया था, ये दोनों एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। कुचिपुड़ी ये कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और इसका प्रसिद्ध रूप जो है वो मटका नृत्य है। ओडिसी कहाँ का फेमस हो गया है? तो ओडिसी उड़ीसा का हो गया है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरल का। और यहाँ पे मैंने आप सबको कहा कि मोहिनी, मोहिनी में माला कौन सी दोस्तों? वैजयंती माला। दूसरा हेमा मालिनी, ये दोनों इसकी मोहिनीअट्टम की मोहिनीअट्टम की प्रमुख कलाकार हैं। सत्रिया नृत्य असम में किया जाता है, सत्रिया नृत्य असम में, और सत्रिया में संत शंकरदेव हैं जिन्होंने इसको विकसित करा, संत शंकरदेव। पूरा याद ना होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आप ले लीजिएगा। प्रमुख कलाकार में आप सबको ध्यान हो, राम कृष्ण दो नाम हम सब ने पढ़े हैं। तो ये हो गए हैं शास्त्रीय नृत्य। चलिए अब भाषाओं पे आते हैं। छऊ का नाम आप सब नाइन्थ के रूप में ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जा चुका। भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस नृत्य को नौवें या नाइन्थ जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल करा है, तो छऊ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, और आप सब कमेंट करके बताइएगा कि छऊ नृत्य जो है किन राज्यों में किया जाता है, कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अब भाषाओं की बात करते हैं। वर्तमान में भारत में 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं, और सभी शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं हैं। और मानक भाषाएं टोटल अगर पूछेगा आप सबसे तो कितनी हैं दोस्तों? 22 हैं। अगर स्टार्टिंग में 14, फिर एक सिंधी को जोड़ा गया, उसके बाद 3 नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया, और उसके बाद 4 जो भाषाएं हैं उनको जोड़ा गया, संथाली, मैथाली, बोडो और डोगरी। पहला पॉइंट यहां से 6 कौन कौन सी हैं। पहला तमिल, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ वो तमिल भाषा है, पहली शास्त्रीय भाषा। उसके बाद तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। उसके बाद है संस्कृत, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा 2005 में घोषित किया गया था, 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। उसके बाद कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु जो है इनको शास्त्रीय भाषा 2008 में घोषित किया गया, 2008 में इनको जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। जबकि मलयालम 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। अगर आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आप सबका आंसर होगा उड़िया, समय 2014 का, 2014 में, यानी सबसे पहली भाषा तमिल 2004 में, और सबसे नवीनतम उड़िया 2014 में, मलयालम 2013 में, कन्नड़ तेलुगु 2008 में, और संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सब इतना ही करते हैं, जिसमें हम सब ने शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं के बारे में यहाँ से जाना। आई होप आप सबके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और लगे कि कंटेंट हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज आपके एग्जाम के लिए।